जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑयल कैन से प्लांटनर बनाना बताऊंगी। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे पास दो कैन पड़ी थी, मैंने उन दोनों का उपयोग किया है और इस तरह से मैंने इन्हें तैयार कर लिया है। देखिए, गैस पर मैं चाकू को गर्म करके इसको काट रही हूँ। मैं इसे चारों तरफ से काटूँगी। एक ही बड़ा के पॉट बनाऊंगी ताकि उसमें अच्छे से प्लांट चल सकें। देखिए इस तरह से काटते जाएं, इसे चारों तरफ से काट लें। इस तरह से मैंने बहुत सारे बोतल और कैन से प्लांटनर बना रखे हैं। देखिए तो इस तरह से चारों तरफ से काट लें। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें ड्रेनेज होल करूंगी ताकि पानी आराम से बाहर निकल सके और पौधा खराब ना हो। आप किसी भी तीखी चीज से गर्म करके इस तरह से छेद करें। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इनको इन तरह से बनाया है। आप इस पर कुछ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं ताकि ये अच्छे सुंदर दिखे। मैंने इन दोनों को एक जैसा ही किया है। ये मैंने मिट्टी तैयार की है जो मैं घर पर खाद बनाती हूँ, किचन वेस्ट से, वही मैंने इसमें डाली है। और थोड़ी रेत और मिट्टी तीनों को मिलाकर मैं इस पॉट में भरूंगी। इस तरह से मैं दोनों पॉट तैयार कर लूंगी। प्लास्टिक के कैन में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। मेरे सभी पौधे अच्छे हेल्दी हैं। देखिए, ये मैं मनी प्लांट लगा रही हूँ। इसकी रूट्स कितनी बड़ी बड़ी निकली है। मैं इसे पानी में ग्रो करती हूँ पहले और फिर मिट्टी में लगाती हूँ ताकि ये अच्छे से चले। अब इनको अंदर डालकर अच्छे से दबा दें ताकि इनकी जड़ों को हवा न लगे। इस तरह से मैंने दो दो तीन तीन टहनियाँ एक पॉट में लगाई है। मैंने पहले भी प्लास्टिक के पॉट में लगा रखी है। मनी प्लांट बहुत अच्छे से चल रही है। ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी इतना डालना है शुरू में जो ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। और मैंने इसके नीचे थर्माकोल के पीस रखे हैं ताकि ये थोड़ा ऊंचा रहे। इस तरह से देखिए दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी इन्हें फेंके नहीं और इस तरह से यूज करें कैन का, बोतल कैन। पर्यावरण को बचाएं और इस तरह से आप इनका यूज करें। देखिए दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने इस तरह से बहुत सारे पॉट बना रखे हैं। देखिए कोने में पड़े सब इसी तरह से बने हुए पॉट हैं। ये ग्रीन वाला भी एक कैन का ही पार्ट है और इसमें मैंने बच्चों का टॉय रख के उसमें पॉटुलिका लगा रखा है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।